पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के लंच डिप्लोमेसी पर कांगड़ा से भी कई दिग्गज नेता शरीक होंगे। ये नेता इसलिए भी इस लंच में शरीक होना अपना सौभाग्य मानते हैं क्योंकि उनका मानना है कि वीरभद्र सिंह न केवल उनकी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं बल्कि उन्हें हिमाचल में मसीहा नेता के तौर पर भी जाना जाता है और प्रदेश में आज के दौर में ऐसा कोई भी नेता नहीं होगा जिसे वीरभद्र सिंह से कुछ जानने और सीखने को न मिला होगा। आज प्रदेश की सक्रिय राजनीति के वो एकमात्र दिग्गज नेता हैं जिन्होंने देश के पहले प्रधानमंत्री से लेकर अब तक के प्रधानमंत्री तक के साथ राजनीति कर रहे हैं। अब ऐसे में देश और प्रदेश के इतने दिग्गज और सक्रिय नेता अगर किसी को लंच पर बुलाए तो फिर भला उनका लंच कौन ठुकरा सकता है। कांगड़ा से पूर्व मंत्री और कांग्रेस के दिग्गज नेता जीएस बाली की माने तो भले ही किसी के साथ विचार ना भी मिलते हों लेकिन सामाजिक स्तर पर हम एक दूसरे के साथ हमेशा घुलते मिलते रहते हैं। वीरभद्र सिंह का लंच भी कुछ इस तरह से है, वहां सियासत नहीं सामाजिक सरोकार होगा जिसमें हर एक को जाना चाहिए ताकि ऐसे में हर एक दूसरे के साथ मिल बैठ सके और कुशल क्षेम जान सके। देखिए मैं इसमें विश्वास नहीं करता हूँ। डिनर अपनी जगह है, लंच अपनी जगह है, ब्रेकफास्ट अपनी जगह है, इसमें राजनीति का कोई लेना देना नहीं है। और हम सोशली हमारे चाहे एक दूसरे के साथ विचार ना भी मिले, सोशली हम इकट्ठे होते हैं। और आपने देखा आपके बैठे बैठे राजा साहब का फ़ोन आया, मुझे तीसरी बार फोन आया था, तो मैं उनका बड़ा सम्मान करता हूँ और मैं उनके साथ एक दशक से ज़्यादा मंत्री रहा हूँ। और जब आप उनके साथ सहयोगी के तौर पे कई दशकों तक काम करने का मौका मिला, वो प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं और उन्होंने कोई लंच वंच रखा होगा तो लोग जाएंगे उस लंच में, पर उसका राजनीतिक उसमें देखना वो ज़्यादा ठीक नहीं है। ये राजनीति से क्या लेना देना। उनका पिछले महीने बर्थडे था तो वो क्योंकि कोरोना चला हुआ है तो ज़्यादा लोगों को बुला नहीं पाते थे, तो उन्हें एक बहाने के तौर पे अभी लोगों को बुलाया है तो अच्छी बात है, मिलते जुलते रहना चाहिए ना। डिनर मैं मेरा देखो एक बात है, मैंने अगर कोशिश भी करूं तो पिछले 2.5 साल में मैं एक बार भी शिमला नहीं गया। मैंने ये कहा था कि मैं द्वारा से जब लोग भेजेंगे तभी जाऊंगा, है ना, अदरवाइज मैंने शिमला में क्या लेना। मैं शिमला मंत्री था तब भी नहीं जाता था, तो मैं ज़्यादा जाता नहीं हूँ, तो अगर ज़रूरत पड़ेगी तो कभी चला जाऊँगा। मैंने राज साहब को वैसे मिलने जाना है अपने आप, क्योंकि उनका स्वास्थ्य भी ठीक नहीं था, मेरा भी ठीक नहीं था, तो मिल नहीं सके, पर वो तब जाऊंगा जब मैं मेरे हेलीकॉप्टर की व्यवस्था हो जाएगी तो हेलीकॉप्टर से जाऊंगा, हेलीकॉप्टर से आ जाऊंगा, चाहे मुझे अपना प्राइवेट हेलीकॉप्टर करना पड़े तो वो उसकी व्यवस्था हो जाएगी तो मैं चला जाऊँगा। राठौर जी PCC अध्यक्ष हैं, अगर PCC अध्यक्ष डिप्लोमेसी से लंच और डिनर से हट जाते तो फिर तो बड़ा मुश्किल पड़ता। इनको राहुल गांधी जी ने, सोनिया गांधी जी ने बनाया है, इनको मौका मिला हुआ अपना काम दिखाने का, इनको अपना कार्य करना चाहिए और पार्टी को स्ट्रेंथन करना चाहिए। और जो सीनियर लीडर हैं उनके साथ कंसल्ट करके चलना चाहिए। देखो डिनर से कभी सत्ता वापसी नहीं होती, ना लंच से होती है। सत्ता वापसी होगी लोगों के बीच में जाके नौकरियां देने से, तो उसके ऊपर काम करना चाहिए। डिनर अपनी जगह है, ब्रेकफास्ट अपनी जगह है, लंच अपनी जगह है, सब सुविधा के मुताबिक। जब यहाँ आते थे MLA मैं भी डिनर देता था सबको, तो वो डिनर का कोई लेना देना नहीं। वहीं कांगड़ा के विधायक पवन काजल की माने तो वीरभद्र सिंह द्वारा कांग्रेसी नेताओं को दिए जा रहे लंच को सियासी तड़का नहीं लगाना चाहिए क्योंकि ये उनका बड़प्पन है कि कोरोना काल के चलते जब वो अपना जन्मदिन नहीं मना सके तो आज उसी उपलक्ष पर सभी को लंच पर बुला लिया और इसमें हर एक को शरीक भी होना चाहिए। जैसा कि आपने जो जानना चाहा है, मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूँ कि ये जो आप डिनर की बात कर रहे हैं, डिनर तो कोई भी नहीं है। हाँ, राजा
साहब ने लंच जरूर रखा है, वो लंच रखा। वैसे भी पहले राज साहब का बर्थडे था, तो उन्होंने पहले आधिकारिक सूचना सभी को दी थी कि बर्थडे में सभी ना आए, टेलीफोनिकली सभी संदेश दें। तो हो सकता है उस सिलसिले में ये जो लंच रखा है, लंच जरूर रखा है, डिनर की मुझे सूचना नहीं है, नहीं जानकारी है। जहाँ तक जो आप मेरे से पूछना चाह रही है, जानना चाह रहे हैं, ये जो कांग्रेस पार्टी के जितने भी वरिष्ठ जो कहीं भी इकट्ठा हो रहे हैं, जो आपका मेन मकसद है पूछने का, मैं बताता हूँ, तो ऐसा नहीं है, ये कोई भी, जैसे पिछली 10-12 दिन पहले भी कोई कांग्रेस के जो वरिष्ठ लीडर थे, 5 से इकट्ठे हुए थे, तो ऐसा नहीं है कोई भी, जैसे मैं हूँ, मैं भी 2-4 बंदे को लंच पे बुला लूँ, तो उसका ये मतलब नहीं है इसमें कोई लंच डिप्लोमेसी हो गई या उसमें कोई गुटिज्म हो गया, कुछ हो गया, ऐसा नहीं है। कांग्रेस पार्टी के सारे कार्यकर्ता, कांग्रेस पार्टी के सारे वरिष्ठ जो नेता हैं, इकट्ठे बैठ के, मतलब कैसे हमने 2022 का चुनाव लड़ना है और जीतना, इसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं, है ना। और इसी इसी आप चाह रहे हैं कि पहले पहले जो लंच हुआ था, 5-6 नेता लोग, जो वरिष्ठ नेता लोग वहाँ पे बैठे थे, उसके बाद में अब राजा वीरभद्र सिंह के घर में जो लंच होने जा रहा है, ऐसा नहीं है। ये तो वैसे ही मतलब गेट टुगेदर जैसे आम मतलब होता ही है। राजा साहब का बर्थडे था पहले, वहाँ पे हर साल लंच होता था, लंच नहीं दिया था, तो अब उन्होंने डिसाइड किया होना कि आप जो भ्रष्ट हैं, जो भी हैं, कदों का बुलाए होने। ये जहाँ तक प्रदेश अध्यक्ष का श्री कुलदीप राठौर जी का सवाल है, तो मैं आपके ध्यान में लाना चाहूँगा, उनको जो जो ये प्रदेश अध्यक्ष बनाया है, वो हाईकमान ने बनाया, सोनिया गांधी, राहुल गांधी जी की पसंद थी। तो अब देखो, मैं भी MLA हूँ, कांग्रेस पार्टी का उपाध्यक्ष हूँ, तो ऐसा मुझे एहसास भी नहीं हुआ कि किसी ने मेरे को फ़ोन किया हो, या किस ऐसे डिप्लोमेसी करनी हो, डिनर डिप्लोमेसी करनी हो, लंच डिप्लोमेसी करनी है, कि किसी को हटाने की बात हो रही है, ऐसा कुछ नहीं है। ये सब पता नहीं कहाँ कहाँ से ये बातें सामने आ रही हैं, इसमें मुझे भी जानकारी नहीं है, और ज़्यादा मैं इसमें पढ़ना भी नहीं चाहता।